स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सीआई के जांजगीर जिला अध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया के खिलाफ छेड़छाड़ का एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि अंकित सिंह सिसोदिया स्कूल जाने वाली नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, साथ ही उसे मोबाइल पर मैसेज भी भेजता था। मामले की जानकारी लड़की ने अपने पिता को दी और फिर अकलतरा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर थाने में पुलिस ने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 354 और 506 के तहत जुर्म दर्ज किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर निकोलस खलको और अकरतला थाना प्रभारी लकेश कैनवत ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच के लिए आरोपी का मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसकी सीडीआर निकाली भी जा रही है। तो नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है, पुलिस ने अंकित सिंह सिसोदिया का मोबाइल जब्त कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार हमसे जुड़ चुके हैं। राजकुमार, मोबाइल जब्त हो गया है, अभी और क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए रोमाना, ये काफी बड़ा मामला है और इसमें फिलहाल अकलतरा पुलिस जांच कर रही है। ये कल शाम को थाने में काफी गहमागहमी का माहौल था और काफी देर बाद इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इसमें एनएसवाई के जिलाध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग तीन धारा के तहत अभी एफआईआर की है, जिसमें आईपीसी की धारा 341, 354 घ और 506 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अभी जो पीड़िता नाबालिग लड़की है उसका जो मोबाइल है उसे जब्त किया है और पुलिस का कहना है कि इसे जांच के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो कॉल डिटेल्स है पीड़िता ने उसके परिवार वालों ने जो बताया है उसके आधार पर पुलिस ने जांच की बात कही है। इसके अलावा अन्य बिंदु पर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। जी रोमाना, बिल्कुल जांच की जा रही है और कॉल डिटेल्स जो है उसको भी निकाला जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।